ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने, जहां थोड़ी देर बाद हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, कोर्ट के बाहर समर्थकों की भीड़ नजर आ रही है और थोड़ी देर बाद हेमंत सोरेन की पेशी। हालांकि जिस तरीके से अब हेमंत सोरेन को अभी तक ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद रखा हुआ है, कोर्ट में पेशी को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, जहां थोड़ी देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उस दौरान भी समर्थकों की भारी भीड़ है। हालांकि जिस तरीके से राजनीतिक हलचल है, जिस तरीके से समर्थक लगातार डटे हुए हैं, उसकी एक एक तस्वीर लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। लेकिन अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी को लेकर पहली बड़ी खबर आपके सामने। और यहां आपको यह भी बता दें कि समर्थक अभी तक डटे हुए हैं, कोर्ट के बाहर भी समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, किस वक्त पेश किया जाएगा कोर्ट में? और जाहिर सी बात है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के सामने मुख्य तौर पर बड़ी बातें रखी जाएंगी, जिस लिहाज से आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल, देखिए 2 बजे का समय बताया गया था PMLA कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी हो सकती है। 2 बज चुके हैं और यहाँ पर सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं कोर्ट परिसर। ये PMLA कोर्ट है, MPMLA कोर्ट है और यहीं पर हेमंत सोरेन को आना है। और पूरा कोर्ट परिसर जो है वो वकीलों से और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे खचाखच भरा हुआ है। बड़ी संख्या में आम लोग भी यहाँ पर कोर्ट प्रिमाइस में पहुँचे हैं हेमंत सोरेन को देखने। एक मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आर्थिक अपराध का बेहद गंभीर मामला उनके नाम पर जुड़ा और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा, अब वो कोर्ट में पेश होंगे। ईडी ने जो कल सवाल पूछे हैं, और इससे पहले 20 जनवरी को भी उनसे सवाल पूछे गए थे, पहले भी कई बार उनसे इस पूरे मामले में सवाल जवाब किए गए थे, तमाम सवाल और उनके जवाबों की तमाम जानकारी कोर्ट में दी जाएगी। जो एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, कमिश्नर हैं, उनकी कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश होना है। और ईडी की ओर से ये कोशिश होगी कि वो रिमांड मांगें, कम से कम 5 दिनों की रिमांड वो मांग सकते हैं। और इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन की जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर आगे और ईडी। चलिए रजनीश, आती हूँ जल्द आपके पास। पहली बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी ने बताई है PMLA कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी से पहले, और पेशी जिस वक्त होने वाली है उस दौरान लोगों की भारी भीड़ को लेकर। इस वक्त की एक और दूसरी बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां बता दें 2 विशेष विमान रांची एयरपोर्ट पहुंचे हैं। 40 से ज्यादा सीट वाले 2 विमान एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अब महागठबंधन के विधायक हैदराबाद शिफ्ट होंगे, ये बड़ी खबर। विशेष विमान से हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी को लेकर इस वक्त आपको ये दूसरी बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां राजनीतिक हलचल के लिहाज से ये खबर बहुत बड़ी है। राजनीतिक हलचल के लिहाज से ये खबर इसलिए बड़ी क्योंकि 2 विशेष विमान रांची एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अब किस तरीके से हलचल यहां पर चल रही है, झारखंड में इस राजनीतिक खेल को देखते हुए ये खबर क्या है? 2 विशेष विमान रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, 40 से ज्यादा सीटों वाले 2 विशेष विमान एयरपोर्ट पर हैं और महागठबंधन के विधायक हैदराबाद शिफ्ट होंगे। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। रजनीश, इसी बात के कयास लगाए जा रहे थे और विशेष विमान से हैदराबाद शिफ्ट करने को लेकर क्या डिटेल? देखिए 3 बजे तक का समय दिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की ओर से राजभवन को। अगर 3 बजे तक उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है तो वो अगली जो उनकी रणनीति है, जो प्लान बी है, उस पर काम करेंगे। JMM को लगता है कि जो राजनीतिक वैक्यूम, जो एक रिक्तता झारखंड में बन रही है, इसका फायदा BJP उठा सकती है, विधायकों को अपने पाले में ला सकती है और इस तरह की स्थिति से बचने के लिए ही उनका प्लान बी तैयार है। तमाम विधायकों को लेकर तेलंगाना ले जाया जाएगा। तेलंगाना वो राज्य जहां पर 1 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुत कंफर्टेबल वहां पर स्थिति रहेगी विधायकों की, किसी तरह का डर नहीं रहेगा। और JMM कांग्रेस के विधायक, RJD का एक विधायक और CPIML का एक विधायक वहां पर इंटैक्ट रहेंगे। ये रणनीति बनाई गई है JMM की ओर से कि अगर राजभवन की ओर से नहीं बुलाया जाता है और विधायकों को लेकर अगर किसी तरह की चिंता है तो उस चिंता को दूर करने के लिए ही वो तेलंगाना जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि झारखंड से बेहद नजदीक है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं हेमंत सोरेन के, उनकी इस राजनीतिक हलचल के बीच एक और सबसे बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मैं बताना चाहूंगी। रजनीश, रोकना चाहूंगी क्योंकि TV9 पर अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का ये अरेस्ट मेमो आपके सामने होगा। मेरे सहयोगी जितेंद्र हमें ज्वाइन करेंगे। जितेंद्र, अभी तक इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन पर जिस तरीके से नजर बनाए हुए हैं, ईडी किस तरीके से एक्शन लेते हुए हेमंत सोरेन को अब आने वाले दिनों में रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, हालांकि
पीएमएलए कोर्ट के बाहर से रजनीश हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर में हेमंत सोरेन की पेशी के साथ साथ बड़ी खबर यह है कि अब टीवी 9 भारतवर्ष आपको हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का अरेस्ट मेमो भी दिखाएगा। हालांकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अब उनकी गाड़ी भी यहां पर पहुंच चुकी है, यहां से रवाना हो रही है। थोड़ी देर में ही हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं कोर्ट में पेश करने के लिए, और रजनीश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब रिमांड मांगी जाएगी और जिस तरीके से कल घंटों इन्वेस्टिगेशन हुई है उस आधार पर जो बातें सामने आई हैं वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। अब ये तस्वीर आपके सामने है, ये हम आपको दिखा रहे हैं अरेस्ट मेमो, यानी TV9 पर इस वक्त आप हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का वही अरेस्ट मेमो देख रहे हैं। हालांकि जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जितेंद्र अब वो डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें अरेस्ट मेमो जो आपने भेजा है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अब जाहिर सी बात है मामले में हुई इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए बड़े तथ्य भी सामने रखेंगे कोर्ट के। जी बिल्कुल, देखिए अरेस्ट मेमो के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि रात 10:02 पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा इस अरेस्ट मेमो में यह भी लिखा हुआ है कि उस वक्त हेमंत सोरेन की जो पर्सनल सर्च की गई उस दौरान उन्होंने अपने गले में एक लॉकेट और हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, जिसको रिमूव करने से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि ईडी की जो पूरी जाँच है वो जमीन घोटाले को लेकर जो जुटी हुई है, और ये जो पूरी जाँच है वो दरअसल अलग अलग जमीन, जो चाहे वो आर्मी की जमीन हो, इसके अलावा आदिवासियों की जमीन हो, किस तरीके से उसका लैंड यूज चेंज करके हेमंत सोरेन के करीबियों को, उनके परिवार वालों को उसका स्वामित्व दिया गया, इस बात को लेकर ये तफ्तीश चल रही है। अब तक ईडी के पास जो मनी ट्रांजैक्शन की जो पूरी ट्रेल है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के करीबियों से जुड़ती दिखाई दे रही है, और यही वजह कि हेमंत सोरेन से पूछताछ करना बेहद जरूरी ईडी के लिए था। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार ईडी की तफ्तीश से बचते आ रहे थे, ऐसे में ईडी का कहना है कि उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बेहद जरूरी थी, जो कि गिरफ्तारी के बाद ही हो सकती थी। अरेस्ट मेमो हम देख रहे हैं उसमें दिखाया गया 31 तारीख रात 10 बजे, और ये लिखा गया एलिगेशन के नाम पर इन्वॉल्वड एंड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हालांकि इस वक्त हेमंत सोरेन को लेकर ईडी कोर्ट रवाना हो गई है, और रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हलचल बनी हुई है कोर्ट में पेशी के दौरान, जाहिर सी बात है रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी, और कोर्ट में पेशी को देखते हुए रुपेश इस वक्त हमारे सहयोगी और अपडेट हमें दे रहे हैं। ओवर टू यू रुपेश। देखिए किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें फाउंड गिल्टी कहा है और कौन कौन से सेक्शन में उनको गिल्टी पाया गया है और उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो जब ईडी के कार्यालय से निकलते हैं तो ऐसा विजयी भाव प्रदर्शित करते हैं, हाथ हिलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, 2 दिन पहले तेजस्वी यादव पूछताछ के बाद निकलते हैं तो विक्ट्री का साइन दिखलाते हैं। अरे भ्रष्टाचार के मामले में आप गिल्टी पाए जाते हैं, उसमें आपको अरेस्ट किया गया है, लेकिन बाहर निकलने के समय जो विजयी मुद्रा, जो विजयी भाव है वो भी अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। लेकिन कुछ ही देर में वो MP MLA कोर्ट में पहुंचने वाले हैं, अब वहां देखना है कि रिमांड पे उनको लेने की कोशिश ईडी करेगी तो कुछ देर में वो भी पता चलेगा। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन का क्या होने वाला है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार का क्या होने वाला है, क्योंकि इस वक्त मेरी जो जानकारी है कि कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया उसके बाद से राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को नहीं कहा है, यानी कि एक तरह से ना सिर्फ राजनीतिक संकट है बल्कि संवैधानिक संकट भी मैं इसे कह सकता हूं, क्योंकि इस वक्त राज्य में इस राजनीतिक संकट के तहत ही रुपेश थोड़ी देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से रांची एयरपोर्ट पर 2 विशेष विमान भी पहुंच चुके हैं। अब क्या वाकई विधायकों को एकजुट रखना भी चुनौती बन गई है? देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण और जो अंदर मेरी बातचीत हुई है, ज्यादातर विधायकों के मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक के हवाले से एक सूचना, एक खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, वो ये कि कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि 17 विधायकों में से 4 विधायक मंत्री हैं, लेकिन उन अगर 4 विधायकों को इस बार मंत्री पद मिला तो कांग्रेस के अंदर ही असंतोष हो सकता है। ये कांग्रेस के विधायकों के अंदर चर्चा हो रही है। अब आप समझिए कि JMM के 4 विधायक नदारद हैं, कांग्रेस के अंदर ये मर्मरिंग चल रही है, बाकी उनके विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर नई सरकार में 17 कांग्रेस के विधायकों में से उन्हीं 4 को अगर रिपीट किया जाता है मंत्री के रूप में तो बाकी विधायकों में कांग्रेस के अंदर भी फूट हो सकती है, नाराजगी हो सकती है। वो फूट भले ही टूट में न बदले, लेकिन फिलहाल इस सरकार को किस तरीके से बनने में खतरा, भले ही 43 MLAs का समर्थन फिजिकली वहाँ पर हासिल है लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है। 47 में 4 नदारद हैं और कांग्रेस के अगर उन्हीं 4 विधायकों को अगर मंत्री रिपीट किया जाएगा तो कांग्रेस के अंदर एक
अंदर एक असंतोष फैलेगा, वो असंतोष टूट में बदलेगा कि नहीं, और ये बात मैं कांग्रेस के विधायक से वार्तालाप के आधार पर कह रहा हूँ। हालांकि जेएमएम ने अपने लगभग तमाम विधायकों के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं और एक तरह से ये जो सर्किट हाउस है यहाँ पर कैद की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर हाउस अरेस्ट की स्थिति बनी हुई है। और दूसरी सूचना, जो अंदर जो रणनीति बन रही है कि हैदराबाद जाने के पहले, रांची एयरपोर्ट जाने के पहले राजभवन पहुंचा जाए, और चंपई सोरेन ने अपना संदेश राजभवन को भेजा था, समय मांगा था, समय भी नहीं मिला है, न न्योता मिला है न समय मिला है। ऐसे में तमाम विधायकों को राजभवन भी लाया जाएगा, रांची एयरपोर्ट जाने के रास्ते में राजभवन के पास। लेकिन राजभवन से सरकार बनाने के आमंत्रण का फिलहाल उनका इंतजार अभी भी चल रहा है, और उसी के तहत आपको बता दें टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त आपको एक एक बड़ी जानकारी इस राजनीतिक हलचल के साथ साथ कोर्ट में होने वाली पेशी को लेकर भी दे रहा है। अब दो विशेष विमान रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में चल रही रणनीति और सर्किट हाउस से ही जिस तरीके से इन्हें आगे शिफ्ट करने को लेकर बड़ी खबर आ रही है, इस बारे में मेरे सहयोगी रुपेश हमें जानकारी दे रहे थे कि महागठबंधन के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की योजना है। वहीं आपको इस बीच ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद हेमंत सोरेन की पेशी हो रही है कोर्ट में, और हेमंत सोरेन को लेकर पहुंचने वाली है अब ईडी की टीम। वहां पर हमारे सहयोगी रजनीश रंजन मौजूद है। रजनीश रंजन हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से समर्थक भी अब जहां पर पेशी होनी है वहां पर डटे हुए हैं, और यहां तक कि रजनीश अगर संभव हो तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाए, क्योंकि खबर तो यह भी सामने आई कि आम लोग भी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, यानी भारी भीड़, और उस दौरान पेशी की जा रही, और वो बॉडी लैंग्वेज जिसका रजनीश ने भी अभी जिक्र किया था कि रुपेश ने जिक्र किया था, रजनीश हाव भाव बिल्कुल सरल है, विक्ट्री साइन दिखाते हुए अभी भी जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए कल रात को भी उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया था जब वो राजभवन की ओर जा रहे थे। अभी जब ईडी दफ्तर से निकले हैं तब भी वो मैसेज दे रहे हैं अपने कैडर्स को कि वो आश्वस्त हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और ये मैसेज है कि राजनीतिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर चारों तरफ लोग जमा हुए हैं, लोगों का बड़ा हुजूम आपको दिख रहा होगा। सामने सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, झारखंड स्टेट पुलिस यहाँ पर है, आम लोग हैं, वकील बहुत बड़ी तादाद में हैं, और देखिए यहाँ पर भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पर जो सामने से नहीं देख पा रहे हैं वो लोग यहाँ गैलरी के पास खड़े हैं और ये भी देखना चाहते हैं हेमंत सोरेन को, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कई गंभीर आरोप लगे, कई बार उनसे ईडी की पूछताछ हुई, गंभीर आपराधिक जो आर्थिक अपराध का मामला है उससे उनका नाम जुड़ा, और अंततः वो गिरफ्तार हुए, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और अब प्रवर्तन निदेशालय उनको कोर्ट लेकर आ रही है। यहाँ पर जो एडिशनल जुडिशियल कमिश्नर हैं दिनेश कुमार राय, उनकी कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, और इस पूरे मामले में अभी तक जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके भी मामले इसी कोर्ट में चल रहे हैं। रांची में पीएमएलए के दो कोर्ट हैं और ये माना जा रहा है कि दिनेश कुमार राय की कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा। ईडी उनसे हिरासत की मांग करेगी, और जो इस पूरे मामले में जो भी अभी तक की जो टेक्निकलिटीज हैं, जो भी तकनीकी कानून बन सकते हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, बिल्कुल उन्हीं कानून पहलुओं को देखते हुए आगे हेमंत सोरेन क्या कदम उठाने वाले हैं, हालांकि इसको लेकर भी अगली बड़ी खबर आगे रखूंगी, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन गुट के विधायकों और सहयोगियों की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, टेक्निकल चीजों को आप सभी जानते हैं, हमारे पास पूरे बहुमत है, हमारे पास आंकड़े हैं। कल हम लोग वहां पे राज्यपाल भवन भी पहुंचे, क्यों नहीं हम लोगों को अंदर जाने दिया गया, क्यों नहीं हम लोगों को अपने संख्या बल को दिखाने दिया गया। इनफैक्ट न्यूज ये भी है, लेने के लिए तैयार नहीं थे और समर्थन पत्र तक लेने के लिए तैयार नहीं थे, ये कहां तक उचित है। संवैधानिक पद में है, हम भी अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास बहुमत है, हमें बुलाया जाए और हमारे नए जो विधायक दल के नेता है उनको ओथ लेना दिया जाए। हेमंत सोरेन देखो वेंडेटा, ये तो बदले की भावना से चल रहा है। आप बताओ पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी नहीं जाती, वहां सीबीआई नहीं जाती, जहाँ विपक्ष की सरकार है वहां जाती है, और वहां जाने के बाद वो लोग भी अगर इनके पास आ गए तो धुएं धुलाए बना देती है, लॉटरी में डाल रखती है, अगर वो इनके पास आ गए, इनके पार्टी में गए तो वो स्वच्छ है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, हेमंत सोरेन पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन की याचिका को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। जितेंद्र हमारे सहयोगी, उनसे भी हम इस बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर, जहां कल सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन पर होगी सुनवाई, गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई। उन्होंने जो निर्णय लिए और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगत नहीं था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से किया, जिस तरह से पैसा 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 को ही भगवान इस सरकार में बना दिया गया, झारखंड की जनता की सेवा को इन्होंने दरकिनार कर दिया गया, युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्य तरीके से मजाक किया। भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के, भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका, तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर तो नजर रहेगी, लेकिन जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन ने अब इसी फैसले के खिलाफ, इसी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एक पेटिशन हेमंत सोरेन की तरफ से दायर की गई है, जिसमें बताया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से जो गिरफ्तारी उनकी की गई है जमीन घोटाले में, दरअसल वो ईडी का एक मेलाफाइड इंटेंशन है, यानी कि राजनीति से प्रेरित होते हुए ये गिरफ्तारी बताई गई है हेमंत सोरेन की तरफ से, और उसी को लेकर कल चीफ जस्टिस की कोर्ट में इसको लेकर, उस बेंच के सामने इसको लेकर सुनवाई होगी। देखना क्या होगा कि आखिरकार कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है, लेकिन इस पूरी पेटिशन के अंदर ईडी को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हेमंत सोरेन की तरफ से की गई है। उन्होंने इस पेटिशन के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि जो गिरफ्तारियां ईडी ने की है वो तमाम गिरफ्तारियां राजनीति से प्रेरित है, इसके अलावा इस तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ और उनका कोई लेना देना इस घोटाले से कतई नहीं है, और ये राजनीति को लेकर उनकी गिरफ्तारी, तो इस तरीके की बातें फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी जितेंद्र, क्योंकि रांची से ही हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां हलचल इस वक्त तेज हो चुकी है। रजनीश बताएं। बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी कोर्ट में लेकर आई है। पीएमएलए कोर्ट में अभी गाड़ियों का काफिला आपको दिख रहा होगा, ये गाड़ियां ईडी अधिकारियों की है और इन्हीं गाड़ी में हेमंत सोरेन को लाया जा रहा है। जबरदस्त यहां पर भीड़ है, हेमंत सोरेन अभी गाड़ी से उतरे नहीं है। आप सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ से सीधे वो कोर्ट के भीतर जाएंगे जहाँ पर उनका रिमांड मांगा जाएगा, और इस वक्त ये रांची पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन पहुँच चुके हैं और कभी भी उनकी झलक आपको दिख सकती है। ईडी के अधिकारियों के साथ हेमंत सोरेन लाए गए हैं, अब से थोड़ी देर पहले वहाँ ईडी दफ्तर से उनको लेकर आया गया है, और अब ये गाड़ियों का जो कॉन्वॉय है ईडी की गाड़ियों का, सरकारी गाड़ी का, वो यहाँ पर दिख रहा है। हेमंत सोरेन कोर्ट परिसर में पहुँच चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो, कानून व्यवस्था को लेकर कोई यहाँ पर अवरोध ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब यहाँ पर कोर्ट के आसपास में भी धारा 144 लागू किया गया है, और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये तमाम इन जवानों की मौजूदगी में और इन तमाम जवानों की निगरानी में ही हेमंत सोरेन को लाया गया है। किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को थ्रेटन करने की कोई यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोर्ट परिसर जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, आपको इधर की भी तस्वीर दिखाते हैं, देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, किस तरीके से वकील यहाँ पर जमा है, आम नागरिक यहाँ पर जमा हुए हैं, सब यहाँ पर हेमंत सोरेन को देखने के लिए आए हैं, और जब ईडी उनको कोर्ट के भीतर लेकर जाएगी तो ईडी की मांग यही होगी कोर्ट से कि वो रिमांड मांगे, कम से कम 5 दिनों की रिमांड मांगे, और इस पूरे केस की जो टेक्निकल डिटेल है जो हेमंत सोरेन से मिल सकती है, जिन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जिन्हें ईडी ने पहले से हिरासत में लिया हुआ है, कई वरिष्ठ अधिकारी उसमें शामिल हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी शामिल हैं, उनके साथ क्रॉस एग्जामिन भी कराया जा सकता है हेमंत सोरेन का, उनके साथ उनकी दोनों को साथ में बिठाकर बातचीत की
की जा सकती है और ठोस सबूत ईडी इस मामले में जुटाने की कोशिश करेगी। 10 बार सम्मन देने के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है तो बेहद गंभीर यह आपराधिक मामला है और इसमें ईडी अपनी ओर से यह कोशिश करेगी कि उसे ज्यादा दिन का रिमांड मिले ताकि अगली सुनवाई से पहले वो पूरी तरह से अपना होमवर्क करके आए और हेमंत सोरेन को जिन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है उन आरोपों को वो एक तरह से उसको जस्टिफाई करें और आगे इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो बनाने में ईडी को मदद मिलेगी। तो इस वक्त ईडी की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा दिनों का रिमांड इस पूरे मामले में मांगे। चलिए मैं जल्द आपके पास वापस आती हूँ रजनीश। रजनीश हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं उसी कोर्ट के बाहर से जहां पर देखिए किस तरीके से हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के ऑफिसर्स की ये टीम पहुंची है और थोड़ी देर में ही कोर्ट के सामने मौजूद हेमंत सोरेन को लेकर जिस तरीके से कोर्ट का रुख सामने आता है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा। लेकिन इस वक्त की ये लेटेस्ट तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है कोर्ट परिसर में और कोर्ट से आ रही बड़ी खबरों पर तो हमारी नजर है। लेकिन इस बीच सर्किट हाउस से भी लगातार खबरें आ रही हैं जहां पर आपको बता दें कि अब बड़ी खबरें मिल रही हैं। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की रिमांड की मांग ईडी करेगी तो कोर्ट के बाहर जारी इस हलचल और कोर्ट रूम के अंदर किस तरीके से आगे इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला सामने आता है इस बारे में जानकारी आपके सामने रखेंगे क्योंकि अभी तक जिस तरीके से कल कई घंटों तक ईडी ने सवाल जवाब हेमंत सोरेन से किए हैं रात 10 बजे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और अब गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है कोर्ट के सामने ये बात रखी जाएगी कि हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर भी आगे इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की जानी है। तो कोर्ट रूम से क्या बड़ी खबर सामने आती है इस पर हमारी नजर है। वहीं सर्किट हाउस से भी बड़ी खबरें हैं क्योंकि अब जिस तरीके से विधायकों को देखते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं राजनीतिक हलचल लगातार यहां पर बनी हुई है जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी रुपेश हमें देंगे। लेकिन इस बीच ईडी जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती आ रही है इस इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ही इस कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन ने अब कोर्ट का रुख किया है उस बारे में एक एक जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमें दे रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में 10 समन यानी हालांकि ये जरूर कहा गया था कि जांच में सहयोग हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं किया जा रहा लेकिन अब जो पिटीशन कोर्ट में हेमंत सोरेन ने दाखिल की है उसमें भी उन्होंने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को इलीगल बताया है और ये भी साफ तौर पर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी इलीगल है। हालांकि कोर्ट का रुख हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया है जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो तीन बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको झारखंड से बता रहे हैं और इस राजनीतिक हलचल को देखते हुए बड़ी खबर यह भी आई कि रांची एयरपोर्ट पर 2 विशेष विमान पहुंच चुके हैं। अब रांची एयरपोर्ट पर विशेष विमानों की मौजूदगी के तहत राजनीतिक हलचल के बीच क्या बड़े फैसले विधायकों को लेकर हो रहे हैं अंदर सर्किट हाउस में हो रही मीटिंग को लेकर इस पर भी हमारी नजर है। वहीं कोर्ट के बाहर की सीधी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है क्योंकि कोर्ट के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ है। हालांकि आम जनता भी यहां पर मौजूद है और हेमंत सोरेन की कोर्ट में लेकर पहुंची है इस वक्त ईडी की यह टीम जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले ये टीम लेकर उन्हें अंदर पहुंची है। हालांकि संभव हो तो कोर्ट के बाहर की भी तस्वीरें रजनीश आप दिखाएं क्योंकि यहां पर भी समर्थकों की मौजूदगी और उन्हीं समर्थकों को एड्रेस करते हुए हाथ वेव करते हुए अंदर गए हेमंत सोरेन। बिल्कुल देखिए हेमंत सोरेन का जो जेस्चर है जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं। कल रात को गिरफ्तार ईडी के अधिकारियों के साथ जब वो राजभवन गए थे तब भी उन्होंने अपने थम्स दिखाए थे और अभी भी वो मुस्कुराते हुए अंदर गए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनके जरिए और मीडिया के जरिए ये मैसेज उनके कैडर को वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है उससे वो विचलित नहीं है और कार्यकर्ताओं के लिए ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना नेता के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसी लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो जेस्चरिंग इनकी देखी जा रही है जो जेस्चरिंग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर आपको तस्वीर आप देखिए लगातार कोर्ट कैंपस में रांची में PMLA कोर्ट में लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सुबह से लोग यहाँ पर आने लगे थे जब उन्हें पता चला कि 2 बजे के बाद ये हियरिंग होगी उनको पेश किया जाएगा तो लोग 2 बजने से पहले यहां पर पहुंच चुके हैं। पूरा ये कोर्ट कैंपस है आप देख सकते हैं यहां पर मीडिया के लोग हैं लेकिन बड़ी संख्या में वकील भी हैं आम लोग भी हैं और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उपस्थिति है यहां पर वो अर्धसैनिक बलों की है झारखंड पुलिस के जवानों की है। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि झारखंड बंद का भी आज आह्वान किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही
की है और रांची में भी अलग अलग जगहों पे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन रजनीश आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और सबसे बड़ी खबर है जहाँ रांची के डीसी और एसएसपी भी अब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो एयरपोर्ट पर ही जिस तरीके से दो विशेष विमान यहाँ पर थे रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर, रुपेश क्या बड़ी खबर? देखिए बिल्कुल, और ये सूचना प्रशासन तक भी पहुंच गई है या प्रशासन को दे दी गई है और राजभवन से भी इस बात की जांच कराई जा रही है कि क्या वाकई सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद तमाम विधायक राज्य छोड़कर कहीं जा रहे हैं और इसी वजह से जो रांची के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो रांची एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं और ये सूचना जाहिर सी बात है राजभवन को भी दी जाएगी और राजभवन को ये भी सूचना दी गई है कि वो मिलने का वक्त चाहते हैं लेकिन राजभवन ने मिलने का वक्त नहीं दिया है। और जो हलचलें बढ़ी हैं सर्किट हाउस में, किसी भी वक्त यहाँ से गाड़ियाँ रवाना हो सकती हैं लेकिन जेएमएम के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने जो ये रणनीति बनाई है कि रांची एयरपोर्ट जाने का पहले अगर बीच में राजभवन है तो वहां पर राजभवन के बाहर ही परेड जैसी एक स्थिति बनाई जाए और एक शक्ति प्रदर्शन किया जाए कि उनके पास, या फिर बहुमत प्रदर्शन अगर कहें राजभवन के अंदर नहीं होगा क्योंकि राज्यपाल ने मिलने का वक्त नहीं दिया है। सरकार बनाने का दावा पेश हो चुका है, सरकार बनाने के लिए न्योते की बात तो दूर है लेकिन सरकार राजभवन से मिलने का वक्त भी अभी नहीं मिला है। जाहिर सी बात है ऐसे में राज्य से बाहर जाने के पहले अपने शक्ति का प्रदर्शन, अपने बहुमत का प्रदर्शन करना चाहती है महागठबंधन, इसलिए यह रणनीति बनी है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं अंदर के विधायक से जो बातचीत हुई है कि वो राज्य छोड़ने के पहले राजभवन के बाहर एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे, एक मीडिया के सामने ही सही लेकिन वो दिखलाएंगे कि उनके पास 43 जो विधायक हैं वो सशरीर उपस्थित हैं, उनके बीच बहुमत को लेकर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है लेकिन राजभवन उन्हें नहीं बुला रहा है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि 3 बजे तक का ये इंतजार कर रहे हैं, अल्टीमेटम तो इसे नहीं कहेंगे लेकिन खुद में ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजे तक अगर राजभवन से उन्हें बुलावा आता है या न्योता मिलता है उसके बाद हेमंत सोरेन को लेकर क्या फैसला होता है। देखिए दोनों ही बातें हैं, उन्हें पता था कि कितने बजे हेमंत सोरेन निकलेंगे या कितने बजे कोर्ट बैठेगी और कोर्ट में बुलावा कितने बजे है, जाहिर सी बात है वो वक्त भी उन्हें मिलेगा। और हेमंत सोरेन का क्या होता है, क्या उन्हें रिमांड दिया जाता है, कितने दिन न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर रिमांड वहीं से मिलता है, ये इन बातों की जानकारी भी उन्हें यहां रहते हुए मिल जाएगी और उसके बाद से ये, क्योंकि मैं आपको रोकना चाहूंगी, जल्द आपके पास रुपेश आ रही हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर है, 7 से 8 दिनों की रिमांड मांग सकती है ईडी सोर्सेस के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर। तो 7 से 8 दिनों की रिमांड ईडी अगर मांगती है रुपेश, इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक हलचल के लिहाज से भी, 3 बजे तक की टाइम की बात भी हमने इसलिए की क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर अभी सामने आ रही है जहां कोर्ट में पेशी और कोर्ट से हेमंत सोरेन की 7 से 8 दिनों की रिमांड की मांग की जा सकती है।